सो व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं नवनीत और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं अपना सेटअप, यानी कि मैं क्या क्या चीजों को यूज कर रहा हूं और किन किन चीजों का मैं यूज करता हूं अपनी वीडियोस बनाने में, और आखिर मेरे रूम में आखिर क्या क्या है जो आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा देखने में। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा दोस्तों मजा आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए गाइस, मैं शुरू करने वाला हूँ दोस्तों सबसे पहले अपने सेटअप से। तो सेटअप में दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ये है मेरा सेटअप, यानी कि यहाँ पर मेरा कंप्यूटर है जहाँ से हम एडिटिंग करते हैं और अपलोडिंग होती है, यानी कि जो हमारा मेन कंप्यूटर है दोस्तों वो ये है। तो वैसे दोस्तों आपको बता दूँ, स्टार्ट करते हैं एक तरफ से। तो सबसे पहली चीज़ जो है दोस्तों ये देखिए, ये है मेरे पास मॉनिटर जो है 15.5 यानी कि 15.5 इंचेस का ये मॉनिटर है। वहीं पर दोस्तों मैं ये यूज़ करता हूँ रेड ड्रैगन का ये कीबोर्ड, यानी कि ये एक आप इसे कह सकते हैं कि मैकेनिकल कीबोर्ड भी है ये, और वैसे ये गेमिंग है क्योंकि इसके अंदर लाइट्स हैं, तीन लाइट इसके अंदर हैं ये, और ये कॉम्बो पैक में मैंने इसे खरीदा था। तो ऑलमोस्ट जो इसकी प्राइस है वो है लगभग 1500 रुपये के आसपास का, तो ये आपको फिलहाल अभी चेक करना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों रेड गियर का ये कीबोर्ड एंड माउस पैड। और वहीं पे दोस्तों मैं यूज़ करता हूँ हेडफोन। हेडफोन में अगर देखा जाए तो मैं यूज़ करता हूँ ये न्यूबो कंपनी है, यानी कि चाइना की न्यूबो कंपनी है, जो मैंने इसे ऑनलाइन मंगवाया था जिसकी प्राइस है 950 रुपये। तो ये गेमिंग हेडफोन है और साउंड जो है ऑलमोस्ट दोस्तों ऑन द एवरेज है, ठीक ठाक है। तो इन सबकी मैंने इसकी रिव्यू और अनबॉक्सिंग मैंने किए हुए हैं, तो आप अगर चाहें तो इसे जाकर देख सकते हैं। और ये है दोस्तों यहाँ पर मल्टी यूएसबी कॉम्बो हब, जिसके अंदर हमें दोस्तों यानी कि जो हमें एसडी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, एमएमएस स्लॉट मिलता है, माइक्रो एसडी स्लॉट मिल जाते हैं, प्लस तीन हब मिल जाते हैं हमें, तो ये काफ़ी काम का चीज़ है। वहीं पर हम आए दोस्तों इस साइड में, तो ये मिलता है दोस्तों ये जॉयस्टिक जो हमारे गेम खेलने के काम आता है, चाहे उससे कोई भी गेम खेल लीजिए, बहुत ही बेहतरीन जो है ये जॉयस्टिक है ये। बाकी इसकी जो प्राइस है मार्केट में वो लगभग 850 से 900 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, जो है दोस्तों एमिको कंपनी का। तो ब्रांडिंग कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, अलग दोस्तों आपको मिलता रहेगा। वहीं पर दोस्तों ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा प्लांट जो हमारे रूम को बड़ा ही चार चांद लगा देता है। तो चलिए दोस्तों वहीं पर आते हैं हमारी ये लाइटिंग। आखिर जो लाइटिंग आपको मेरे वीडियोस में जो सेट देखने को मिलता है, तो दोस्तों वो है ये है हमारा लाइटिंग, यानी कि ये है दोस्तों Xiaomi की 16 मिलियंस कलर वाले वो लाइट जिसे हम अपने फ़ोन से ऑपरेट करते हैं और जिसे मैंने इस पे लगा रखा है, जिसे कहते हैं हम जुगाड़, जो है दोस्तों ट्राईपोड जिसकी कीमत है 450 रुपये। तो इससे आप बड़ा अच्छा खासा जुगाड़ बना सकते हैं। और वहीं पर दोस्तों अगर हम CPU की बात करें, दोस्तों ये Corsair का CPU है जो ऑलमोस्ट काफ़ी बेहतरीन है यार, मुझे बहुत प्यारा लगता है अपना CPU। इसके अंदर मदरबोर्ड इसका मैंने वैसे पूरा जो है वीडियो बनाया हुआ है, तो ज़्यादा इसके अंदर मैं नहीं घुसूंगा। वहीं पे दोस्तों ये जो आपको टेबल दिख रहा है, ये जो दोस्तों टेबल है ये कस्टम टेबल है, यानी कि ये मैंने खुद बनाया हुआ था ये टेबल, ये हमने बनवाया था। और ऑल द डिज़ाइन जो भी इसमें आपको डिज़ाइन दिख रहा है, नीचे आपको इसके लेग्स दिख रहे हैं, ये सारे डिज़ाइन दोस्तों ये मेरे खुद के हैं, ये मेरे खुद में बनाए हुए हैं। वहीं भी दोस्तों ये मैं यूज़ करता हूँ एक चेयर जो ठीक ठाक सा तो है, लेकिन ऑन द एवरेज है, इसे आप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कंफर्टेबल नहीं है, जो कि पीछे इसका नेट दिखता है ये कंफर्टेबल नहीं है। तो अभी जो है दोस्तों बहुत ही जल्दी आपको जो है मेरा गेमिंग चेयर जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो वहीं पर अगर हम देखें तो ये लास्ट टाइम जब मैं गया था, यानी कि यूट्यूब के गूगल यूट्यूब में, तो उस वक्त मुझे ये छोटा सा मिला था। तो आगे आते हैं, तो दोस्तों ये है मेरा, यानी कि आप इसे स्टडी टेबल भी कह सकते हैं, आप इसे ये कह सकते हैं कि हमारा स्टोरेज है। तो ये ऊपर दोस्तों में हमारे पास है प्रो मैक्स का 5-in-1 वूफर स्पीकर है, जिसकी साउंड क्वालिटी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। वहीं पर हम नीचे आते हैं दोस्तों, तो ये है छोटा सा हैंडमेड प्लांट, यानी कि ये वैसे तो देखा जाए तो मतलब कि हमने वैसे बनाया हुआ है, तो प्लास्टिक का ही है, ओरिजिनल नहीं है। वहीं पे दोस्तों ये सड़ा सा एक लैपटॉप है, जो सबसे पुराना लैपटॉप है मेरा, जो है HP का, और उसके बाद भी दोस्तों मैंने काफ़ी एक दो लैपटॉप परचेज कर चुका हूँ अभी तक। तो ये है दोस्तों i3, यानी क्योर i3 है, विंडो 7 सपोर्टेबल है और काफ़ी दोस्तों बेहतरीन लैपटॉप है, लेकिन इसकी छोटी सी प्रॉब्लम है, इसमें हीटिंग इशू कुछ ज़्यादा ही है। तो ये है दोस्तों हमारा, यानी कि ब्रोशेस पेंटिंग का मुझे थोड़ा ज़्यादा ही शौक है। वहीं पे दोस्तों ये है हमारा, यानी कि जिसमें आप ये कह सकते हैं इसके अंदर मेरे पेन ड्राइव्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रखी रहती हैं। वहीं पे दोस्तों ये मुझे इसमें ये हमारा पेन बॉक्स है और कुछ खास दिखाने लायक नहीं है ये। और यहीं पे दोस्तों हम आते हैं नीचे, तो
ये है दोस्तों मिनी गोरिल्ला पॉड, यानी कि गोरिल्ला ट्राइपॉड है ये, सेम यानी कि आप इस पे छोटा सा कोई फ़ोन माउंट कर सकते हैं, कोई माइक माउंट कर सकते हैं और भी छोटी मोटी चीज़ें। ये है दोस्तों मेरे कैमरे का हुड, यानी कि धूप से आपके कैमरे को दिक्कत ना हो, यानी कि जब आप वीडियो शूट कर रहे हो तो आपकी वीडियो की क्वालिटी जो है वो धूप की वजह से ख़राब ना हो, जिसकी वजह से हम इसे यूज़ करते हैं। ये है दोस्तों लेंस का कवर। तो ये है दोस्तों मेरा दूसरा लैपटॉप, जो एक्चुअली एक मेरा छोटा भाई है जो इसे यूज़ करता है। ड्यूअल कोर है, 2GB का रैम है और इसकी सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है, ये थिकपैड सीरीज़ है और थिकपैड सीरीज़ की दोस्तों बहुत ही अच्छी बात एक ये है कि ये कभी एक तो हीट नहीं होता और दूसरी अच्छी बात कि चाहे ये गिर जाए, चाहे ये कुछ भी हो जाए, आप ये कह सकते हो कि मैंने इसे इतनी बार गिरा चुका हूँ लेकिन अभी तक इसके अंदर सिकन नहीं है। और इसे परचेज़ किए वो ऑलमोस्ट मुझे 2010 में मैंने इसे लगभग परचेज़ किया था, लगभग आप सोच सकते हो यार आठ साल हो गए इस लैपटॉप को यूज़ करते हुए मुझे। तो दोस्तों ये दो, यानी कि दो चेयर्स हैं, ये ऑफिस चेयर्स हैं। ये वहीं पर दोस्तों देखता हूँ आखिर मेरे जो ड्रॉवर्स में है वो क्या है। तो ड्रॉवर्स में दोस्तों ये मिल जाता है मुझे, यानी कि ये जो ये है मेरे लैपटॉप के चार्जर्स, ये है क्रंचेस, कैलकुलेटर, सेल चार्जेस, चार्जर, ये है दोस्तों बैटरी, वहीं पे दोस्तों ये वॉलेट है, ये लीड, और वहीं पे दोस्तों चलिए नीचे आते हैं। तो ये है दोस्तों लॉगिटेक का हेडफोन, जिससे मैं अधिकतर रिकॉर्डिंग यानी कि जो फेस वाले नहीं होती वीडियोज तो मैं इसी से ही बनाता हूँ। और ये है दोस्तों मेरे कैमरे का चार्जर। तो ये है दोस्तों कुछ मेरे खाने पीने का आइटम जो मैं रखता हूँ, खाली हो रखा है फिलहाल, और ये है कोक। तो चलिए इसे साइड करते हैं। तो ये है बेसिकली दोस्तों अगला, यानी कि अगला एक सड़ा सा टेबल जो काफ़ी दिनों से, यानी कि सबसे पहले जो था मैं इसी पे स्टडी किया करता था, इसी पे पढ़ता था, लेकिन अब बहुत पुराना हो चुका है। अब जो फिर हमने बाद में ये टेबल बनाया है, फिलहाल अब ये है, और ये दोस्तों ये भी टेबल हमारा है बहुत पुराना। तो फिलहाल अभी हम सभी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये टेबल जो है ये टेबल बहुत ही जल्द रिप्लेस होने वाला है, इसकी जगह पे कुछ और लेकर के आएंगे। और ये भी टेबल जो है दोस्तों 2019 के अपग्रेडेशन जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर जो है दोस्तों ये सारा बदल दिया जाएगा। तो ये जो टेबल है फिलहाल इस पर जो हम करते हैं वो हम अनबॉक्सिंग करते हैं, कोई रिव्यू करना हो हम रिव्यू करते हैं। मेरे छोटे भाई का चैनल है स्टार्डन, अगर आप वहाँ पर जाएँ तो वो एक्सपेरिमेंटेड वीडियोज होते हैं, वो भी जो है सारी चीज़ें इसी के ऊपर होती है। तो ये है दोस्तों मेरा भाई। तो वैसे ये हमारा बीन बैग है, मतलब कि यार सॉक्स सारे हमारे भाई ने पाल रखे हैं तो ये भी यूज़ करता हूँ मैं। तो ये बीन बैग है यार, बस नींद आ जाती है तो वैसे, क्योंकि इस रूम में आपको दिख रहा होगा कहीं भी कोई बेड तो है नहीं काम करने के अलावा। तो ये दोस्तों कर्टेन हमने लगा रखा है थोड़ा सा अच्छा सा दिखे। एक छोटी सी चीज और है जो सेटअप के अंदर हमने आपको दिखाया नहीं है, वो है दोस्तों ये पावर पैक 2, यानी कि ये रिफ्लेक्टर है, यानी कि जब हम वीडियोस बनाते हैं तो ये रिफ्लेक्टर जो है बहुत ही हमारे काम आ जाता है। तो इसके बारे में खैर बाद में बताऊंगा मैं आपको, जब मैं अपने कैमरे के बारे में कुछ जब मैं कैमरेज के बारे में आपको सारी डिटेल्स दूंगा तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों मैं आपको जब बताकर चलूंगा। तो ओवरऑल द पार्ट जो है मुझे इस पूरे रूम के अंदर जो सबसे बेहतरीन लगता है दोस्तों वो है मेरा कैमरा, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं आपको अपने कैमरे और अपने माइक के बारे में बताऊंगा कि आखिर मैं कौन कौन से माइक अभी फिलहाल यूज़ कर रहा हूं मैं, और किन किन वीडियो के अंदर किस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए मैं कौन सी वीडियोस जो है, यानी कि कौन सा जो माइक है वो मैं फिलहाल अभी यूज़ कर रहा हूं। और एक चीज़ दोस्तों और बताऊँ कि यार जो फिलहाल मेरे पास ये माउस है, ये माउस बहुत ही बेकार है यार, रियली बता रहा हूं मैं। आप अगर कॉम्बो पैक आप कभी भी मत लीजिएगा रेड गियर का, यानी कि जो 1500, यानी कि आप ये समझोगे लगभग मुझे इसे परचेज किया हुए 6 से 7 महीने हो चुके होंगे, लेकिन 6 से 7 महीने के अंदर ये जो माउस है इसका जो ये बॉल है, ये ट्रैक बॉल, ये जो है दोस्तों काम करना बंद कर चुका है और अब काम नहीं करता। कभी कभार मुझे समझ में नहीं आता इसकी DPI कभी तो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है, और मतलब कि एक स्टेबल DPI जो है इस माउस का जो है वो नहीं है। जब भी परचेज करें आप इंडिविजुअल खरीदें, लॉगिटेक के भी बहुत सारे आते हैं, कॉर्सियर के भी बहुत सारे आते हैं, ऐसे बहुत सारे कंपनी है, यानी कि इंडिविजुअल आप इसे खरीदेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है, कि कॉम्बो के चक्कर में दोस्तों थोड़ा सा काम जो है वो खराब हो जाता है। तो यार मेरे बेस्ट हिसाब से तो आप इसको ना ही खरीदें तो ज़्यादा बेस्ट है, मैं तो खुद पछता रहा हूँ यार। इसे बहुत ही जल्द जो है हम रिप्लेस करने वाले हैं, कॉर्सियर का कीबोर्ड है जो लेने का हमारा प्लान है, लेकिन देखते हैं यार बजट क्या बनता है उस वक्त। खैर दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट जो वीडियो था, और फिलहाल जो अभी आप देख रहे होंगे सेटअप के अंदर ये सारी चीज़ें, ये कैमरे यानी कि जो कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल अभी वो है दोस्तों 80D। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ये काफ़ी अच्छी लगी होगी,
और साथ ही साथ में दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ दोस्तों अगर लगा हो कुछ कि यार आप भाई को बोलना चाहिए तो नीचे जाइए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, बिल्कुल याद करके, बिल्कुल भूलना नहीं है। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, सी यू बाय, एंड आई एम साइनिंग आउट।